सरकारी बंगला खाली करने के बाद अब राहुल गांधी को कई तरह के ऑफर मिलने लगे हैं। वाराणसी में कांग्रेस के नेता और प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है। वाराणसी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपने घर के बाहर मेरा घर राहुल गांधी जी का घर का पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर अजय राय ने अपनी पत्नी रीना राय के साथ मिलकर लगाया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उनको सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने नेता के लिए ये अनोखा कदम उठाया है। राहुल गांधी को नोटिस मिलने के बाद से यूपी में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों में आक्रोश है। कांग्रेस के नेता अजय राय ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उन्होंने ये फैसला पत्नी और बेटे के कहने पर लिया है। हम सब ने ये मन बनाया है कि मैं, मेरी पत्नी और हमारे बच्चे अपना घर राहुल गांधी को समर्पित करेंगे। राहुल जी आए और हमारे घर में रहें। ये घर उनका है और निश्चित रूप से ये घर उनके लिए समर्पित है। पहले उनकी सदस्यता ले ली, फिर उनके घर खाली करा रहे हैं। और राहुल जी ने पहले भी कहा था छत्तीसगढ़ में कि मेरा कोई अपना मकान नहीं है। अब राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा था और हम लोगों ने उसमें सुना था, तो मुझे लगा, हमने परिवार में डिस्कस किया तो पत्नी ने भी कहा कि हम लोग राहुल जी को अपना घर ये देंगे। यानी अब सहानुभूति की एक नई लहर कांग्रेस में पैदा हो रही है और ये देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले ये सहानुभूति कितने कारगर साबित होती है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया।